मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी सूची जल्द आ सकती है, इसे लेकर मंथन का दौर जारी है। दूसरी सूची को लेकर सोमवार की शाम गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा की चर्चा हुई। उसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी दोनों की मीटिंग हुई। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सप्ताह बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है। नड्डा के आवास पर हुई मीटिंग में एमपी विधानसभा चुनाव के प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि मीटिंग उम्मीदवारों की सूची को लेकर थी। पार्टी ने 17 अगस्त को 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी थी। इसके बाद 191 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि दूसरी सूची में 60 से 65 उम्मीदवार हो सकते हैं। पिछले महीने सीएम चौहान, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य के संगठन महासचिव हितानंद शर्मा और अन्य शीर्ष नेताओं के लगभग 65 सीटों के लिए पैनल बनने के लिए बैठक हुई थी। दरअसल हर विधानसभा सीट के लिए पैनल में 2 से 3 नाम होते हैं, जिनमें से एक को पार्टी उम्मीदवार के रूप में अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि पैनल के नाम अगस्त के अंत तक तैयार हो गए थे, लेकिन पार्टी की प्राथमिकता जन आशीर्वाद यात्रा की थी। इसकी वजह से दूसरी सूची में विलंब हुआ है। जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत 3 से 6 सितंबर के बीच अलग अलग स्थानों से शुरू हुई थी। ये 5 यात्राएं ग्वालियर, चंबल, महाकौशल, मालवा निमाण और विंध्याचल क्षेत्रों सहित विभिन्न मार्गों से गुजर रही है। अब पार्टी उम्मीदवारों की सूची को लेकर चर्चा फिर से शुरू हो चुकी है। नड्डा के साथ सोमवार की बैठक के बाद बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अंतिम बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता बैठक में होंगे, जहां उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मंजूरी दी जाएगी। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।